दोस्तों आपने 2010 में आई फिल्म गोलमाल 3 तो देखी होगी ना, जो कि एक कॉमेडी एक्शन फिल्म थी जिसकी कहानी एक लव स्टोरी पर थी, जिसमें प्रीतम और गीता एक दूसरे से कॉलेज के दिनों से प्यार करते हैं पर एक नहीं हो पाते। जब बहुत सालों बाद फिर मिलते हैं तो दोबारा ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वैसे ये दोनों फिल्म के मुख्य रोल में थे, पर अजय देवगन जिन्होंने गोपाल का किरदार और करीना कपूर जिन्होंने डब्बू का किरदार निभाया, इन दोनों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था और इन दोनों की केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और जिसके चलते फिल्म हो गई हिट। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म के बारे में नहीं बल्कि फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे, जिनमें से आप अजय देवगन की पत्नी काजोल और करीना कपूर के पति सैफ अली खान के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या आप फिल्म में काम करने वाले बाकी कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हो जिन कलाकारों से बहुत प्यार करते हैं? तो चलिए फिर देर किस बात की है, हम बताते हैं ना आपको, शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 6, कुणाल खेमू। इस फिल्म में कुणाल खेमू ने लक्ष्मण का किरदार निभाया, जो प्रीतम के बेटों में से एक बेटे का किरदार है। फिल्म में इनका किरदार काफी चालाक लड़के का होता है, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से निभाया। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम सैफ अली खान है, जिनसे इन्होंने 2015 में शादी की थी। ये एक लव मैरिज थी। शादी के कुछ साल बाद इनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इनाया नौमी खेमू रखा गया। आपको बता दें इनकी पत्नी भी अभिनेत्री है, जिन्होंने साहब बीवी और गैंगस्टर, रंग दे बसंती और 31 अक्टूबर जैसी फिल्मों में काम किया है। नंबर 5, रत्ना पाठक। फिल्म में गीता का किरदार अभिनेत्री रत्ना पाठक ने निभाया, जो प्रीतम की प्रेमिका होती है, पर ये दोनों किसी कारण एक नहीं हो पाते। अब क्योंकि ये सिर्फ प्रीतम से ही प्यार करती है तो ये किसी और से शादी भी नहीं करती। बाद में दो बच्चों गोपाल और लक्ष्मण को गोद लेती है, उन्हीं के साथ जिंदगी बिताती है। इस किरदार को इन्होंने अच्छे से पर्दे पर उतारा और दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम नसीरुद्दीन शाह है, जिनसे इन्होंने 1982 में शादी की। इनके घर दो बच्चों का जन्म हुआ, जिसका नाम विवान और इमाद रखा गया। आपको बता दें इनके पति भी अभिनेता हैं, जिन्होंने इश्कियां, जाने भी दो यारों, इकबाल और इरादा जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। नंबर 4, तुषार कपूर। फिल्म में लक्की का किरदार अभिनेता तुषार कपूर ने निभाया, जो बोल नहीं सकता था पर अपने जबरदस्त एक्सप्रेशन से सभी को अपनी बात समझाने की कोशिश करता था, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से निभाया और इस किरदार से ये फेमस भी हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इन्होंने शादी नहीं की है पर एक समय ये अभिनेत्री राधिका आप्टे के साथ रिलेशनशिप में थे, जिनके साथ इन्होंने शोर इन द सिटी में काम किया। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, पर दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला, दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद तुषार कपूर ने शादी न करने का मन बना लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने सरोगेसी की मदद से पिता बनने के अपने सपने को सच कर लिया है। नंबर 3, अश्विनी क्लेस्कर। फिल्म में चिंटू का किरदार अभिनेत्री अश्विनी क्लेस्कर ने निभाया। इस फिल्म में इनका किरदार डब्बू की दीदी का होता है, जो डब्बू को पालती है और बड़ा करती है, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम मुरली शर्मा है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की। वर्तमान में इन दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं और आज भी दोनों साथ हैं। आपको बता दें इनके पति एक अभिनेता है, जिन्होंने सनम तेरी कसम, बदलापुर, सिंघम जैसी फिल्मों में काम किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुरली शर्मा से शादी करने से पहले इन्होंने अभिनेता नीतीश पांडे से शादी की, पर शादी के 4 साल बाद दोनों अलग हो गए। नंबर 2, श्रेयस तलपड़े। फिल्म में लक्ष्मण का किरदार अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने निभाया, जो गोपाल का भाई और गीता का बेटा होता है। फिल्म में इनका किरदार एक हकले व्यक्ति का होता है, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया और दर्शकों से खूब सराहना हासिल की। लेकिन बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम दीप्ति तलपड़े है, जिनसे इन्होंने 2004 में शादी की। शादी के कुछ सालों बाद ही इनके घर प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। आपको बता दें इनकी पत्नी पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है, जिन्होंने पोस्टर बॉयज, बाजी और सनाई चोकते जैसी कई मराठी फिल्मों का निर्माण किया है। नंबर 1, अरशदवारसी। अभिनेता अरशदवारसी ने फिल्म में माधव का किरदार निभाया, जो प्रीतम के बेटे लक्ष्मण और लक्की के भाई का किरदार है। फिल्म में इनका स्वभाव काफी तेज और चंचल था, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम मारिया गोरेट्टी है, जिनसे इन्होंने 1999 में शादी की। आज इनके दो बच्चे हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी पेशे से वीडियो जॉकी है, साथ ही एक एक्ट्रेस भी है, जिन्होंने रघु रोमियो, नक्शा, हम तुम और घोष्ट जैसी फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में किस कलाकार का अभिनय फिल्म में ज्यादा पसंद आया, उनका नाम तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी मसालेदार बातों को जानना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो।